हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, इस विषय में मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो आप गोल को सेटअप करें, कैसे करेंगे आप, मैं उसको वो बात बताऊंगा आपको। और ठीक है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप हम लोग या दुनिया में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है, वो देखा गया है कि वो प्राइवेट जॉब्स करती हैं या फिर वो किसी ना किसी के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है उनका। ठीक है, वो उससे ऊपर वो दुन लोगों के पास बैठते तो हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको भाई साहब, हमको जो है मज़ा नहीं आ रहा है जॉब में, लेकिन वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन बाद में हमेशा दूसरों से बुराई करते हैं, साहब मज़ा नहीं आ रहा है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, पैसा तो है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। उनसे पूछो करना क्या चाहते हैं आप, तो बताते हैं साहब करना तो स्टार्ट तो कंपनी कहते हैं, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमने बीटेक किया है, हमने एमबीए किया है, हमने जो है डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्सेस कर रखे हैं, डिप्लोमा है, लेकिन क्या है साहब, हम अपने फील्ड में वर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने उस काम को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो फिर वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कहते हैं साहब इतना सफिशिएंट नहीं है, हम नहीं काम कर पाएंगे। लेकिन पहली चीज़ मैं बता दूं, किसी काम को रोज़ रोज़ करना और फिर ये समझ लेना कि मतलब कुछ अलग हो जाएगा, तो ये पागलपन की सबसे बड़ी निशानी है। सपोज़ आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं लगातार 2 साल 3 साल 5 साल तक, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 5 साल से लगातार एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी बहुत छोटी है लेकिन वो कर रहे हैं, कहते हैं भैया जो मिल रहा है बस उसी में संतोष है। ठीक है, ये बाहर निकल गए, मालूम चला कुछ करने लगे और ये भी ना मिला तो क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, आदमी आता है घर पर आता है, कई लोगों से मैंने सर्वे किया, वो बताते हैं कि साहब मैं सुबह जाता हूँ, शाम को सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया शुरू करूँगा, अपनी वेबसाइट है, अपनी कंपनी है, उसके लिए कुछ काम करूँगा या फिर कुछ स्टार्टअप करूँगा, बट हो नहीं पाता है साहब, टाइम नहीं मिलता है। संडे भी आता है, संडे को फिर से वही दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, ये सब भी इंटरटेनमेंट के लिए होता है साहब, समय नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पहली चीज़ तो आप भैया गोल सेट कर लो एक। ठीक है, गोल सेट करने के बाद में आप एक स्ट्रेटजी बना लो, ठीक है हमको ये करना है, और अगर वो प्लान काम नहीं करता है तो प्लान बी काम करो। ठीक है, प्लान बी नहीं काम करता है तो प्लान सी काम करो, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ ना कोई ना कोई प्लान सक्सेस हो जाएगा, और जो प्लान सक्सेस हो जाएगा तो आपके अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो डोंट चेंज योर प्लान, चेंज योर स्ट्रेटजी, यानी कि आप अपने लक्ष्य को ना बदलें, हाँ काम करने के तरीके को बदलें। ठीक है, साइकिल चलाना हमने बचपन में सीखा, गिरे तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दिया, नहीं ना। तो इसी तरीके से अगर हम हमारा कोई गोल है तो उस गोल पे कंसंट्रेट करें और उस गोल पे काम करते रहें। एक बार बार अगर फेल भी होते हैं तो काम को छोड़ना नहीं है साहब, उसको फिर से धीरे धीरे दूसरा काम, ठीक है, दूसरे तरीके से काम चेंज कर देंगे तो गोल चेंज हो जाएगा, फिर से आप नए सिरे से काम स्टार्ट करेंगे। नहीं, क्योंकि एक बार आप गिरे हैं तो वो चीज़ आप गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से बिजनेस है, यदि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई अगर माइंड में कोई इनोवेशन है, कोई रिसर्च है, उसमें आप फर्स्ट टाइम पे फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि काम आप बदल दें। ठीक है, आप अपने तरीके को बदलिए, आप जरूर सक्सेस होंगे, और ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर अगर बनना है तो साहब एक दिन में कोई नहीं बन जाता है। जो चेहरे की चमक होती है ना, जो चमक है उसके काम करने की, वो एक दिन में नहीं आती है, जो सफाई है ना वो नहीं आती है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक जो है एक आदमी एक पेंट मतलब ऐसा हुआ कि एक मैं इस कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक पार्क में एक आदमी मिला, बहुत परेशान था। उस आदमी ने मतलब बोला कि मतलब वो उस आदमी की हेल्प जो है, उसको पैसे की ज़रूरत थी 100 रुपए की, और वो बंदा मतलब उसकी चोरी हो गया था, पर्स वर्स को चोरी हो गया था, उस बंदे को नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया कि वहाँ पर एक बंदे से हेल्प मांगी और उससे बोला कि मतलब हेल्प कर दो। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपए तो दे दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। तो उसने कहा मैं इसके बदले तुम्हें एक पेंटिंग दूंगा। तो उसने बोला पेंटिंग ये क्या, इससे क्या होगा। तो उसने बोला तुम्हारे पास है क्या। तो उसने बोला मेरे पास
कुछ नहीं है, तुम बस मुझे एक पेन ला के देना और एक कागज़ ला के देना। उसने क्या किया, एक पेपर दिया उसको और एक पेन दिया, उसने पेंटिंग बस विद इन अ सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर वो पेंटिंग उसने बना दिया और जब उसको दे दिया तो उसने बोला साहब 100 रुपये मैं तो दे दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये पेंटिंग की कीमत इतनी नहीं है, ये पेंटिंग जो है यूजलेस है। उसके बाद उसने जो है मतलब क्या हुआ, वो तो चला गया फिलहाल, लेकिन वो पेंटिंग लेकर के वो मार्केट में जब गया, जब जो उसकी असलियत वैल्यू जानता था उसके पास लेकर गया तो पेंटिंग लाखों रुपए की थी। ठीक है, तो उसने बोला कि मतलब लाखों रुपए की पेंटिंग, इतने लाखों रुपए की, तो उसने मतलब कि वो चीज़ सीखनी चाहिए कि चलो सीखते हैं। उस बंदे को हमने मतलब फिर से मिलते हैं और फिर से वो कई दिनों में मतलब पार्क डेली क्योंकि जाता था घूमने, तो फिर से वो बंदा आया और उसको मतलब थैंक यू देने के लिए 100 रुपये भी वापस करने लगा। तो उसने बोला हमको 100 रुपीज़ नहीं चाहिए साहब, हमको ये पेंटिंग आप सिखा दीजिए, जो 3 सेकंड में आपने जो चीज़ बनाई वो लाखों रुपए, जिसकी वैल्यू हो मार्केट वैल्यू लाखों रुपए हो, हम वो चीज़ सीखना चाहते हैं। तो उसका बस यही जवाब था कि ये 3 सेकंड के लिए जो हमने 30 साल अपना लगाया है, ठीक है, ये फिनिशिंग के लिए, ये इतनी अच्छे काम के लिए इतने कम समय में, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो काम तो आप भी कर सकते हो, 3 सेकंड में ही कर सकते हो आप, 2 सेकंड में कर सकते हो, बट आपको जो पीछे की मेहनत है वो कोई नहीं देखता साहब, जो सामने जब सामने आप सक्सेस हो जाते हो तब वो चीज़ें वैल्यू होती हैं। तो इसलिए दोस्तों आज आप अपना गोल बनाइए और अगर आपका गोल पहले से है तो उस पर काम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि समय निकल जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। आज आप मत देखिए, आज के 5 साल बाद देखिए आप कहाँ पर होंगे, क्योंकि आज तो सब कोई जी रहा है, 5 साल बाद कहाँ पे होंगे इसके बारे में भी सोचिए और आज से आप काम करना स्टार्ट करिए और स्ट्रेटजी के साथ साथ काम करिए, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट बहुत सारे लोगों को हमारा ये मैसेज पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।